इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। इधर कोरोना की दूसरी लहर के बीच जब इंजेक्शन, ऑक्सीजन, बेड्स की मारामारी है, ऐसे मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक होटल में छापा मारकर रेमडेसिविर के सौदागरों को गिरफ्तार किया। गोरेगांव के मोतीलाल नगर में एक होटल की रसोई में यह छापा पड़ा। पुलिस ने होटल की किचन से रेमडेसिविर की 26 शीशियां बरामद की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी दवा को 20,000 से 25,000 रुपए प्रति पीस में बेच रहे थे। तो तस्वीरें ऐसी सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई से नहीं, देश भर से कई जगहों से आई हैं जहां रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जा रही है। शर्म है ऐसे लोगों पर जो इस वक्त में, बुरे वक्त में भी रेमडेसिविर जैसे जरूरत वाली दवा की कालाबाजारी कर रहे हैं, उसे भी पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। मुंबई से एक और बड़ी खबर आ रही है। मुंबई के बीकेसी वैक्सीनेशन सेंटर में आज सुबह वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें की बीकेसी मैदान में किस तरह से यहां पर लंबी लाइन लगी हुई है। दरअसल कुछ वक्त पहले यहां पर जो लोग आए थे, वैक्सीन खत्म हो जाने के बाद वैक्सीन की किल्लत का सामना करना पड़ा और आज फिर लंबी लाइन नजर आई। इस वक्त हमें महाराष्ट्र के सबसे बड़े टीकाकरण केंद्र बीकेसी कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर आज टीका लगाने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इस टीकाकरण केंद्र पर उमड़ पड़ी है। यहाँ पर आप एक लंबी कतार उन लोगों की देख सकते हैं जो सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं, और चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे में यहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने 3 अलग अलग कतारें बनाई हैं। ये जो कतार आप देख रहे हैं ये सेकेंड डोज के उन सीनियर सिटीजन्स की है जिन्हें डोज लेना है। इसके अलावा आपको बता दें, एक कतार जो है पहला डोज लेने के लिए आए हुए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए एक कतार यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा तीसरी कतार 45 साल से ज़्यादा उम्र के उन लोगों की है जो अपना पहला डोज लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, सुबह से ही जो है 7 बजे से लोगों का यहाँ पर आना शुरू हो गया था। धूप काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, कई सारी परेशानियाँ भी इन्हें हो रही है। इनका कहना है कि इतनी ज़्यादा भीड़ काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकती है क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आप दृश्य देख कर आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्थिति क्या बनी हुई है। जल्द से जल्द ये जो सीनियर सिटीजन है वो अपना टीका लगा के यहाँ से निकलना चाहते हैं। चूंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर लोग जो है सीधे अंदर ना घुस जाए, इसलिए यहाँ पर जो है मेन गेट को यहाँ पर बैरिकेड कर बंद किया गया है। जो बहुत इमरजेंसी है उन्हें ही जो इस गेट से अंदर आने दिया जा रहा है। मैं आपको सामने वाले दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं ये पहला और दूसरा डोज लेने के लिए जो सीनियर सिटीजन्स है उनके यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बड़ी संख्या उन लोगों की भी है जो कोमॉर्बिडिटीज के शिकार है। इसके अलावा 45 साल से उम्र के ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर रुके हुए हैं। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि 1 तारीख से 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में तमाम टीकाकरण केंद्रों पर बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ सकती है, ऐसे में इन्हें टीका शायद ना लगे। और जिस तरह से टीके का शॉर्टेज देखा गया है पिछले कुछ दिनों में, तो डर भी इन लोगों को लग रहा है कि अगर अभी जो टीके का स्टॉक है वो खत्म भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो सकती है। इसलिए भी लोग जो है इसी आशंका के मद्देनज़र इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर आए हुए हैं। जिस तरह से लोगों की भीड़ आज यहाँ पर उमड़ी है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। राहत की बात यही है कि ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाया हुआ है, लेकिन जिस तरह से इतनी ज़्यादा भीड़ उमड़ पड़ी है तो लोगों के मन में डर भी यही है, ये कहीं भीड़ कोरोना संक्रमण की बड़ी वजह ना बन जाए, लोग कोरोना के शिकार ना हो जाए। और इसीलिए यहाँ पर गुजारिश कर रहे हैं कि जो स्थानीय प्रशासन है वो इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कोई और अच्छे इंतजाम करे ताकि कोरोना किसी और को ना फैले। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी मुंबई। और अब एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। कोरोना के कारण अस्पताल में मची अफरा तफरी को देखते हुए अब 5-स्टार होटल्स में 100 कमरे बुक किए गए हैं। 5-स्टार होटल अशोका में ये कमरे दिल्ली हाईकोर्ट के जज, ज्यूडिशियल स्टाफ और उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्व किए गए हैं ताकि अगर उन्हें कोरोना का संक्रमण हुआ तो उनका इलाज यहां हो सके। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू। दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और लोग वेंटिलेटर से लेकर आईसीयू और अस्पताल में बेड के लिए या फिर ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पा रही है।
कारण सिर्फ एक है कि दिल्ली में बढ़ता कोरोना का संक्रमण और इस कोरोना काल में अब वीआईपी कल्चर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल जो चाणक्यपुरी की एसडीएम है गीता ग्रोवर, उन्होंने एक आदेश जारी किया है और इस आदेश के में ये कहा गया है कि दिल्ली का जो 5 सितारा अशोका होटल है, इसके 100 कमरे दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस और जो दूसरे जुडिशियल स्टाफ है उनके लिए और उनके परिवार वालों के लिए रिजर्व रखे जाएं, ताकि अगर उनमें से कोई भी कोरोना से संक्रमित हो तो उसका इलाज यहां हो सके। और इस अशोका होटल को जो प्राइमस हॉस्पिटल है उसके साथ अटैच किया गया है और उस प्राइमस हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो दिल्ली हाईकोर्ट के जजेस और उनके जो जुडिशियल स्टाफ है और उनके परिवार के सदस्य हैं उनकी इस 5 सितारा होटल में देखभाल करेगा। इतना ही नहीं, ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि जो बायोमेडिकल वेस्ट होगा उसको सही से डिस्पोजल करने की जिम्मेदारी भी अस्पताल की होगी। इसके अलावा एम्बुलेंस से जो ट्रांसफर फैसिलिटी है वो भी अस्पताल प्रोवाइड कराएगा। साथ साथ हॉस्पिटल के साथ को कुछ आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन वहीं ये भी कहा गया है कि जो बेसिक नीड है वो अशोका होटल का स्टाफ अस्पताल के कर्मियों को प्रोवाइड कराएगा। यानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में जहां 380 लोगों की जान गई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑक्सीजन की कमी से मर रहे हैं, जैसे जयपुर गोल्डन अस्पताल में हमने देखा था कि ऑक्सीजन के कम प्रेशर के चलते वहां कई लोगों ने दम तोड़ दिया, लोगों को अस्पताल नहीं मिल रहा, सरकारी अस्पतालों में बाहर कंपाउंड में स्ट्रेचर पर लेट कर लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। तो वहीं अब जो जज हैं और जो जुडिशियल अफसर हैं उनका इलाज इस अशोका होटल में किया जाएगा। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।